वेलकम टू द हैप्पीनेस कॉकटेल. इट्स मी देविना और मैं आज आपको अपने चैनल पे शेयर करने वाली हूँ कि हम लोग पूरी और रामेश्वरम से क्या क्या लेके आए हैं. तो सबसे पहले हम लोग पूरी गए थे, वहाँ से कुछ सामान लेके आए हैं. फिर मेरे मॉम एंड डैड आए थे, इन-लॉज, तो उनके साथ हम रामेश्वरम गए थे. वो दोनों वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अभी आ चुके हैं. अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन मेरे लिंक में होगा और आप यहाँ जा सकते हैं. ऑल्सो गाइस, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल और आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा नाम देविना है और मैं अपने चैनल पे ट्रैवल और लाइफस्टाइल पे वीडियो बनाती हूँ. और आपको अभी तक सब कुछ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकन एज वेल. सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर आई लाइक गेट स्टार्टेड टू द वीडियो. सो गाइस, फर्स्ट विल स्टार्ट टू द पूरी, क्योंकि मैं वहाँ से सिर्फ दो ही चीज़ आई हूँ. सो हम लोग भुवनेश्वर के जो बहुत ज़्यादा फेमस शॉपिंग स्ट्रीट है, वो एक नंबर मार्केट है. सो गाइस, एक नंबर मार्केट से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी. पर वो ऐसा होता है ना कि थोक वाली जो चीज़ें हैं, जो अगर आपको बहुत सारी सामान एक साथ चाहिए तो उसके लिए, बट हम लोगों को वहाँ पर साड़ी थोड़ी अलग लगी, जो आपको मतलब पता नहीं शायद कहीं नहीं मिले, मुझे ऐसा लग रहा था. तो मैंने अपनी मॉम इन लॉ के लिए ले लिया है साड़ी. ये ऐसा है, ये 350 रुपीज़ में पड़ा मुझे. ये साड़ी है भुवनेश्वर की, तो ये कुछ इस तरीके से लगा, मुझे सही लगा ये भी, तो मैंने ले लिया है. आप पूजा और ये सब में पहन सकते हैं. 350 रुपीज़ का, आई थिंक इट्स वर्थ प्राइस. और ये सारे उसमें ब्लाउज पीस नहीं रहेगा, आपको अलग से ही कुछ करना है ब्लाउज का. आई एम इन सर्च ऑफ पल्ला, नॉट एबल टू फाइंड इट. आई थिंक ये एक ही जैसा है प्लेन पूरा, सो दैट्स व्हाट इट इज. ये भी भुवनेश्वर की है साड़ी, ये भी बहुत सुंदर है. ये ऑरेंजिश पिंक पे है, इसमें इसका भी पल्ला सेम है, सेंस. हाँ, इसका भी सेम पल्ला है, ऐसा कुछ पल्ला है, तो बहुत ही अच्छा. 350 रुपीज़ में और क्या चाहिए. हम लोग रामेश्वरम से बहुत सारी छोटी छोटी चीजें लिए हैं, बहुत ज्यादा सस्ते में मिल रही थी सारी चीजें, मतलब देने के पर्पस पे. और अगर भगवान की फोटोज चाहिए कुछ तो वो सिर्फ आपको रामेश्वरम में ही मिलेंगे. और सबसे पहले हम मदुरई गए. मदुरई में जो लक्ष्मी टेम्पल है वो बहुत ही मतलब वो सबसे बड़ा लक्ष्मी टेम्पल है ऑल ओवर द वर्ल्ड. आप मेरे वीडियो में अभी तक देख चुके होंगे उसको. तो वहां से हम लोगों ने ये छोटे छोटे भगवान के फोटोज लिए हैं. लॉर्ड शिवा में नक्श की फोटो बनी हुई है भगवान की. और ये हम लोग 10-20 रुपीज में मिला था ना, 10 रुपीज में ऐसे लिए थे. और एक और ये लिया, ये मेरी मम्मी ले जाएंगे, ये 50 रुपीज का है, थोड़ा बड़ा है तो अच्छा है, ये मतलब पूजा करने के लिए अच्छा है और ये देने के लिए ये सही है. तो ये सारी चीजें हैं. और उसके बाद हम पहुँचते हैं रामेश्वरम में. रामेश्वरम से हम लोगों ने ये लिया है, ये 20-30 का ही था, तो हम लोग इसको भी 2-3 ले लिए ताकि मेरे घर मम्मी लोग लेके जाए और मेरी मम्मी को भी दे दें, तो उसके लिए ये तीनों ऐसा है. उसके बाद हाँ, सबसे अच्छा जो मुझे यहाँ का शॉपिंग लगा रामेश्वरम का वो था ये, लुक एट दिस. इसमें राम लक्ष्मण एंड सीता जी बने हुए हैं. ये हम लोगों ने 5-6 ले लिया है. हाँ, तो ये जो गिफ्ट पर्पस के लिए राम सीता लिए थे वो 100 रुपीज़ ईच है, तो इट्स बिट कॉस्टली बट वर्थ द मनी सीरियसली. और वहाँ पर आप अगर आप रामेश्वरम जाएंगे तो वहाँ का जो हिस्ट्री है वो ये बताता है कि जो राम भगवान ने मतलब जब श्रीलंका जा रहे थे तो जो पत्थर रखे थे वो डूबता नहीं है, तो वहाँ पर आपको ऐसे पत्थर भी मिलेंगे जो डूबते नहीं है. तो हम लोगों ने एक ऐसा पत्थर लिया भगवान के पास रखने के लिए, तो ये कुछ 100 रुपीज़ का था. आपको ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे पत्थर भी मिल जाएंगे वहाँ पर. और वहाँ पर ओरिजिनल जो पत्थर है वो भी रखे हुए हैं, आप मेरे वीडियो में देखेंगे अगर ऑलरेडी आप देखिए तो उसको भी बहुत अच्छा जानकारी के लिए वीडियो है. और रामेश्वरम से अगेन ये लिए, रामेश्वरम का ये टेम्पल है और भगवान शिवलिंग बना रहे हैं, क्योंकि उनकी हिस्ट्री है वो आप वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, बहुत अच्छी हिस्ट्री है सीरियसली, मस्ट विजिट गाइस रामेश्वरम. तो ये हम लोग लिए थे, ये भी 50 रुपीज़ कुछ का है, तो ये भी 2-3 लिए हैं देने के लिए. और नेक्स्ट हम लोगों ने लिया है, ये मम्मी के लिए लिया है मेरे, ये डोर पे जो लगाते हैं सजाने के लिए कुछ इस तरीके से, ये 50 रुपीज़ का है, इसमें 2 है, तो ये बहुत सुंदर दिखेगा अगर ऐसा करके आप लटकाएंगे तो कुछ इस तरीके से. तो ये ऐसी वाली चीज़ें बहुत मिलेगी वहाँ पर आपको, मिरर के वर्क पे और ये सारी चीज़ें, और सस्ते में 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ का है, तो वो सारी चीज़ें.
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा फेवरेट चीज़, हम लोगों ने फिर से वहाँ पर शॉपिंग की. सो ये हम लोगों ने आखिर में दो कॉटन की साड़ी लिए दोनों के लिए, और इसमें लोग वो बता रहा था कि अपने घर में खुद बनाते हैं, तो बहुत सारी बहुत अच्छी चीज़ है. इस तरीके से ये मम्मी के लिए है और ये मेरे लिए है. इसका पल्ला देखिएगा, तो ये 750 का एक है, तो ये 1400 हम लोगों को पड़ा ऐसा. ये दोनों है रामेश्वरम की जो मेन शॉपिंग स्ट्रीट है वहाँ से हम लोगों ने लिया है इसको. ये एक साड़ी है, ये बहुत ही सुंदर है, हाथ से काम किया हुआ है इसमें. ये एक वीडियो में बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है, पर ये कस्टर्ड कलर का है और इस तरीके से दिखता है. ये 750 रुपीज़ में मुझे तो सही लगा, तो मैंने ये ले लिया है. ये वाली साड़ी का जो पल्ला है ये मेहरून कलर का है, तो बहुत ही सही है. और इसका ये दो चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे. ये एक और साड़ी भी ये लिया है, ये मेरी मम्मी के लिए, तो ये इस तरीके इसका पल्ला कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, बहुत ही सुंदर है. सो गाइस दैट्स इट, ये मेरी शॉपिंग थी रामेश्वरम और पुरी की, तो नॉट पुरी, भुवनेश्वर टू बी प्रेसाइज. तो अगर आप लोग जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें तो ज़रूर लेके आइएगा, बहुत अच्छा है और कम दाम में अच्छा मिल जाएगा. तो अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.